मध्य प्रदेश के अंजड़ के प्राचीन विवरेश्वर शिवालय से ओंकारेश्वर तक कावड़ यात्रा रवाना हुई। मनोकामनेश्वर कावड़ यात्रा का लगातार 20 वर्षों से अंजड़ से ओंकारेश्वर तक पैदल भव्य कावड़ यात्रा का दल आज सुबह रवाना हुआ। 60 से 70 कावड़िए एक साथ मां रेवा का जल लेकर ओंकारेश्वर की ओर सुबह से निकल पड़े। मनोकामनेश्वर कावड़ यात्रा समिति अंजड़ द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण माह में निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा लगातार इस वर्ष 20वीं बार यात्रा आज सुबह रेवा जल लेकर रवाना हुई। यह यात्रा अंजड़ विवरेश्वर शिवालय से शुरू हुई। यात्रा का समापन ओंकारेश्वर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर 29 जुलाई को होगा। लगातार 20 वर्षों से ओंकारेश्वर तक कावड़ से रेवा जल चढ़ाकर नगर अंजड़ व आसपास के क्षेत्र में सुख शांति एवं अच्छी बारिश की कामना के लिए निकाली जाने वाली इस कावड़ यात्रा का पहला पड़ाव ठिकरी, दूसरा दोगावा, तीसरा बेड़िया और चौथा ओंकारेश्वर में रहेगा। आज निकली इस कावड़ यात्रा का नगर में कई जगह भव्य स्वागत किया गया। कावड़ियों को कहीं जलपान तो कहीं केले और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर के कई वरिष्ठ जन कावड़ यात्रियों के साथ नगर के बाहर ठिकरी रोड स्थित बालाजी हनुमान मंदिर तक साथ पहुंचे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? पृथ्वीराज सिंह चौहान। ये कावड़ यात्रा का कहां से कहां तक आयोजन हो रहा है? ये अंजड़ से ओंकारेश्वर के लिए कावड़ यात्रा निकाली है। कितने दिन की रहेगी कावड़ यात्रा? ये 5 दिनों की कावड़ यात्रा रहेगी। कितने सदस्य जा रहे हैं कावड़ में? इसमें 60 सदस्य जा रहे हैं। तो कावड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? कावड़ का मुख्य उद्देश्य अंजड़ नगर के क्षेत्र एवं आसपास की जनता की सुख शांति समृद्धि एवं अच्छी बारिश की कामना हेतु लगातार 20 वर्षों से कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता आ रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक कहाँ पड़ाव रहेंगे इसके? इसका पहला पड़ाव ठिकरी रहेगा जी, दूसरा इसका कसरावत के पास दोगावा रहेगा, तीसरा सनावत के पास बेड़िया रहेगा और चौथा ओंकारेश्वर नाई ढाल के सोमवार भोलेनाथ के दर्शन करके कावड़ यात्री अपने घर प्रस्थान करेंगे गाड़ी से उधर।